मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 5th का स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट डे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे थे। पेज नंबर 9 सभी ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक लॉग बोट है, ठीक है, लॉग बोट है। वो क्या कर रही है, जैसे लॉग बोट, यहाँ मैनी टाइप्स ऑफ बोट, ओके, यहाँ पे बहुत सारे बोट्स के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉग बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, मोटर बोट है, मशीन बोट है, ठीक है। अब ये जो लॉग बोर्ड है, ये जो बोर्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या करते हैं, ये हो सकता है ये सबसे छोटी हो, उससे बड़ी ये बोर्ड हो, उससे बड़ी ये, क्योंकि जितना उसका साइज होगा उतना ज्यादा वो फिश लाएंगी, है ना। लॉग बोर्ड 1 ट्रिप में 20 kg ला रही है, लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में 600 kg ला रही है, मोटर बोट 1 ट्रिप में 800 kg ला रही है, और मशीन बोट 1 ट्रिप में 6000 ला रही है। और देखो बाजू में स्पीड भी दी हुई है, देखिए 4 किलोमीटर पर आवर, इसे हम क्या बोलते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर में वो 4 किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ना, ये चीज याद रखिएगा, ओके, कि हम क्या करते हैं, जैसे पर आवर आता है ना, मतलब 1 आवर मान लेते हैं, 1 आवर में 4 किलोमीटर चल रही है लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 12 किलोमीटर चल रही है, मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रही है, और मशीन बोट 1 आवर में 22 किलोमीटर चल रही है, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विच ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप, मतलब अबाउट यानी लगभग, हाउ मच फिश मतलब कितनी सारी फिश इन ऑल सब में आ सकती है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ बोट, यदि जब आप बोट देखते, ईच मतलब हर प्रकार की जो बोट है उसे देखे, उसे देखिए, देखिए है ना, यहाँ पे जो ब्रिंग यानी लाना इन 7 ट्रिप मतलब 7 ट्रिप में ला रही है जो बोट, वो कितना ला रही है ना। तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है, कि लॉग बोट 1 ट्रिप में 20 kg ला रही है, लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में, यहाँ देखिए लिखा है ना, यहाँ पे देखिए कैच ऑफ फिश, कैच यानी पकड़ना, ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, 1 ट्रिप में कितनी फिश पकड़ी गई, 20 kg, या फिर बोल सकते हो लाई गई, है ना। लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में कितनी फिश आई, 600, ओके। मोटर बोट 1 ट्रिप में कितना आई, 800 आई, और मशीन बोट 1 ट्रिप में कितना लाई, 6000 लाई। अब ये चीज नोटिस कीजिए, आपको 1 ट्रिप का नहीं बताना, यहाँ पे बोला है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप, जो हर प्रकार के बोट है वो 7 ट्रिप में कितनी ज्यादा फिश ला रही है, ओके। तो आपको देखो 1 ट्रिप का पता था, आपको 2 ट्रिप का लाना है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 ट्रिप में वो जितना लाती है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए 2 ट्रिप का निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए सब में, 3 ट्रिप का लाना है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आपको 7 ट्रिप का निकालना है तो 7 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कर देंगे 7 ट्रिप का निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके बच्चों। चलिए इंटू कीजिए, सभी को इंटू करते आता है, इक्वल का साइन डाल दीजिए, यहाँ पे एरो मत डालिए, ठीक है। 7 2 जा, देखिए यहाँ पे लंबा इंटू मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इज इट ट्रिक, 7 2 जा 14 होता है ना, 14, इतने बड़े बड़े टेबल तो आपको याद नहीं होंगे, है ना। तो 7 2 जा, देखिए 7 2 जा 14, 10 है तो यहाँ 10 लगा दीजिए, ठीक है। 7 6 जा 42 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए 20 है तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए। 7 8 जा क्या होता है, देखिए यहाँ पे बच्चों 7 8 जा कितना होता है, 56 लिख दीजिए, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 डाल दीजिए। 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है ना, तो 30 है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 30 डाल दीजिए। मतलब कि ये जो लॉन्ग बोट है वो 1 ट्रिप में तो 20 आ रही थी, पर 7 ट्रिप में वो कितना लाएगी, 140। लॉन्ग टेल बोट 1 ट्रिप में 600 ला रही थी, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, 7 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4200, या बोल सकते 4200। मोटर बोट 1 ट्रिप में 800 ला रही थी, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, 5600, या बोल सकते 5600। मशीन बोट 1 ट्रिप में 6000 ला रही थी, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, 42000 वो लाएगी, ओके। सभी को क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन देखे ना सभी, सभी ने पढ़े ना कि जो बोट है वो 7 ट्रिप में कितनी फिश लाएगी, ठीक है। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोला है, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। ये भी इजी है, देखिए जो लॉग बोट है 1 आवर में 4 किलोमीटर चल रही थी,
तो 6 आवर में कितना चलेगी, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 4 में, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर चल रही थी तो 6 आवर में कितना चलेगी, 6 का इंटू कर दीजिए, मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रही थी तो 6 आवर में कितना चलेगी, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मशीन बोट 1 आवर में 22 किलोमीटर चल रही थी तो 6 आवर में कितना चलेगी, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इंटू करना तो सबको आता है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ए है ना, हमने पहले ए सॉल्व किया था, अब हम बी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर, मतलब 6 आवर में वो कितना जाएगा है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, 4 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, मीन्स पर आवर जहां पे भी आ जाए समझ लो वो 1 आवर के लिए है ना, 1 आवर के लिए, ठीक है, 1 आवर में वो 4 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 आवर में कितना चल रहा है वो 4 किलोमीटर, ठीक है। लॉग बोट 1 आवर में कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में कितना चल रहा है 12 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखी है, ठीक है बाद में लिखिएगा। मोटर बोट 1 आवर में कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, और मशीन बोट 1 आवर में कितना चल रहा है 22। आपको क्या करना है, 6 आवर के लिए निकालना है, 6 आवर के लिए निकालना है ना, 5 आवर के लिए निकालना है तो 5 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 आवर के लिए निकालना है तो 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ओके यहाँ पे देखिए 6 का हमने क्या कर दिए, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब 6 आवर में वो कितना दूर जा सकती है, 4 6 क्या होता है 24, ठीक है, 12 6 कितना होता है, सब टेबल याद करेंगे, टेबल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, टेस्ट लेते समय हम टेबल भी देंगे, 12 का इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा, 6 2 12 ये 7 है ना, 72, 20 का जब 6 इंटू करेंगे तो 6 2 क्या होता है 12 होता है, और ये 10 तो हमने 10 लगा दिए, 6 का इंटू जब आप क्या करोगे 22 से करोगे आप 132 किलोमीटर 6 आवर में वो बोट ट्रेवल करेगी है ना, यहाँ लिख दीजिएगा किलोमीटर अब चलेगा। ओके लॉन्ग बोट 6 आवर में 24 किलोमीटर चल रही है, लॉन्ग टेल बोट 6 आवर में 72 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, मोटर बोट 6 आवर में 120 किलोमीटर चल रही है, और मशीन बोट है ना 6 आवर में कितना चल रही है 132 किलोमीटर चल रही है। ओके बच्चों क्लियर सभी को, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में, सॉरी 1 आवर में, हाँ वो 4 किलोमीटर चल रही थी तो 6 आवर में कितना चलेगी 24 किलोमीटर, लॉन्ग टेल बोट 1 आवर में 12 किलोमीटर चल रही थी तो 6 आवर में 72 किलोमीटर, मोटर बोट 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रही है तो 6 आवर में 120 किलोमीटर, मशीन बोट 1 आवर में 22 किलोमीटर चल रही है तो 6 आवर में कितना चलेगी 132 किलोमीटर। ओके बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड अपने ए भी कर लिए, अब हम सी देखते हैं, सी में क्या बोला है, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, यदि लॉन्ग टेल बोट है, जो लॉन्ग टेल बोट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, लॉन्ग टेल बोट 600 वन ट्रिप में 600 फिश ला रही है और 1 आवर में 12 किलोमीटर चल रही है, तो इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मीन्स जब 60 किलोमीटर वो चलेगी तो हाउ लॉन्ग, मतलब वो कितना लंबा है ना, विल इट टेक मतलब कि कितना लंबा समय लेगी, ठीक है, 60 किलोमीटर चलने में अपन को पता है 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चल रही है तो 2 आवर में कितना चलेगी 40 और 3 आवर में कितना चलेगा 60, क्लियर हो रहा है ना। देखिए जो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जब है ना बोट है वो क्या कर रही है कि अपन को तो बोट कौन सी बोला है, लॉन्ग टेल बोट बोला है ना, लॉन्ग टेल बोट, सबसे पहले तो हमें ये जानते हैं कि कौन सी बोट है, लॉन्ग टेल बोट। अब जो लॉन्ग टेल बोट है वो क्या कर रही है कि 1 आवर में वो 12 चल रही है 12 किलोमीटर, तो 2 आवर में वो कितना चलेगी, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो कितना आएगा 24 किलोमीटर, 3 आवर में वो कितना चलेगी, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 आवर में वो 12 चल रही है इतना पता है तो 3 किलोमीटर में कितना चलेगी, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब कि 36 किलोमीटर, 3 आवर में वो कितना चलेगी 36 किलोमीटर, 4 आवर में कितना चलेगी, सबसे पहले 1 आवर में जितना चलती है वो लिख दीजिए है ना, 1 आवर में वो जितना चलती है लिख दीजिए, 4 आवर के लिए जब आप निकालना है तो 4 का मल्टीप्लीकेशन, 5 आवर में वो कितना चलती है तो 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 आवर के लिए निकालना है तो 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है, 12 4 कितना होता है 48 है ना, जब आप 12 का इंटू 5 से करेंगे तो कितना आएगा 60,
और सिक्स सिक्स जब आप 12 का इंटू 6 से करेंगे तो कितना आएगा 132। ओके समझ में आया सभी को बच्चों, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी सी जो था, वो बोल रहा था कि जो लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो वो कितना समय लगाएगी, कितना समय लगाएगी। तो देखिए यहाँ पे वन जो लॉन्ग टेल बोट है वो 1 आवर में वो 12 किलोमीटर चल रही है, 1 आवर में वो 12 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। फिर 1 आवर में वो कितना चलेगी, फिर 12 चलेगी, 1 आवर में कितना चलेगी, 12 चलेगी। ऐसा यदि आप 1 आवर में कितना चलेगी 12, फिर यदि 1 आवर में करोगे तो 12 है ना, जब आप प्लस करोगे, ठीक है प्लस करोगे तो कितना आएगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 60 आ जाएगा। 2 2 2 2 लास्ट की 2 प्लस कर दीजिए, ठीक है। और ये 1 1 1 1 1 है ना, 6 मतलब 60 प्लस करना तो सभी को आता है ना, मतलब वो देखिए 12 को कितनी बार प्लस करें, 5 बार प्लस करें तो 60 किलोमीटर आया ना, मतलब वो 5 आवर में वो कितना चलेगी 60 किलोमीटर। ये आपको बस हमने समझाने के लिए लिखा था। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हैं। ओके बच्चों देखिए बच्चों जो सी वाला था, आपको क्या पता करना था कि 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो कितना समय ले रही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चलिए क्या लिखे हमने, लॉन्ग टेल बोट ट्रैवल इन 1 आवर। 1 आवर में जो लॉन्ग टेल बोट है वो 12 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने इतना लिख दिया, अब देखिए सो टाइम टेकन बाय लॉन्ग टेल बोट टू ट्रैवल 60 किलोमीटर। आपको ये पता करना है कि 60 किलोमीटर जब वो चलेगी तो वो कितना समय लेगी। तो बेटा यहाँ पे अपन हमने पहले बताया था, तो 60 किलोमीटर आप कैसे कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 1 आवर में वो 12 चल रही है, 1 आवर में वो 12 चल रही है, ठीक है। 12 को यदि आप 5 से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 60 आता है। तो देखिए यहाँ पे इसे आप क्या कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। देखिए 1 आवर में 12 चल रही थी, फिर 1 आवर में वो कितना चलेगी 12, 1 आवर में 12, ठीक है 1 आवर में 12, फिर से हमने लिख दिया 12। ओके देखिए यहाँ पे क्लियर, 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना होता है, 12 को यदि आप 5 से मल्टीप्लीकेशन करते तो कितना आता है 60 आता है, 60 आता है ना। देखिए यहाँ पे क्लियर सभी को, 60 किलोमीटर मतलब जो वो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1 आवर कितना हो गया, प्लस कर दीजिए कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5, मतलब 5 आवर वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करेगा तो कितना आवर लेगा वो, ठीक है ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है बेटा। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, 5 आवर हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए कि जो टाइम टेकन बाय लॉन्ग टेल बोट टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, ये मत लिखिएगा, ठीक है ये सिर्फ समझाने के लिए था। डायरेक्टली क्या कर दीजिए, 1 आवर के बाद डायरेक्टली क्या लिख दीजिए 4 किलोमीटर। ओके सॉरी 4 नहीं 5 है ना, कितना टाइम लिया वो 60 किलोमीटर चलने में, 5 किलोमीटर। तो ये लाइन को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, क्योंकि ये समझाने के लिए था, ठीक है बच्चों। लिखे तो नहीं, पहले समझिए फिर लिखिए। ओके देखिए यहाँ पे सभी को क्लियर, ये आपके पास 1 आवर था ना, 1 आवर कितना हो गया ये 5 आवर। ओके मतलब कि वो 5 आवर में वो कितना चल रहा है 60 किलोमीटर, ये आपका क्या होगा मेन आंसर होगा। सभी को क्लियर बच्चों, ठीक है ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। आपको ये पहले इसमें क्या बताना था, 60 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम ले रहा है, तो हमें पता चल गया कि वो 5 आवर ले रहा है वो 60 किलोमीटर चलने में, क्योंकि हमने क्या किया था 1 आवर में वो 12 चल रहा था, आपको पता था ना, तो 5 आवर में वो कितना चलेगा 12 चलेगा। ओके बच्चों देखिए बच्चों क्लियर सभी को, यहाँ पे देखिए एक बार हम बुक से समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, जो बोट है वो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, ये 1 ट्रिप का फिश था है ना, 1 ट्रिप में ये जो बोट है वो इतनी केजी फिश ला रही है, तो 7 ट्रिप में वो कितना लाएगी, तो 7 से मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने, कर दी ना 7 से मल्टीप्लीकेशन। ओके 20 का 7 से, 600 का 7 से, क्योंकि 7 ट्रिप का निकालना था। यदि यहाँ पे 8 ट्रिप पूछता, यहाँ पे यदि 8 ट्रिप का पूछता तो 8 का मल्टीप्लीकेशन करते है ना। अब देखिए बी वाला, बी में क्या बोला है, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। आपको ये पता है कि देखिए लॉन्ग टेल बोट 4 किलोमीटर पर आवर। एक चीज नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, देखिए हमें क्या नोटिस करना है, जैसे यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, पर आवर। ओके तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा
फोर किलोमीटर पर की जगह ये आप साइन यूज करते हैं और ये अवर आ जाते हैं, मतलब कि ये होता है कि 1 आवर में आप 4 किलोमीटर चलते हैं। यदि आपके पास क्या बोले 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये होता है कि 6 किलोमीटर आप 1 आवर में चल रहे हो। ठीक है, सभी को समझ में आया इसकी मीनिंग? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको 6 आवर का निकालना था, 1 आवर में वो 4 किलोमीटर 12, 20, 22 चल रही है, तो 6 आवर में कितना चलेगी, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए जो सी क्या बोला है, लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर जब ट्रेवल करेगी तो वो कितना समय लेगी। आपको पता है कि 1 आवर में लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर चल रही है, तो 5 आवर में वो 60 किलोमीटर चलेगी, सिंपल सी बात। ओके, क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए देखिए बच्चे पेज नंबर क्या निकालिए, 12 निकालिए। ठीक है, पेज नंबर 12 निकालते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 12 सभी को दिख रहा है, दिखा सभी को? यहाँ ग्रेसी वाला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, देखिए यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेसी नाम की एक लड़की है, उसने क्या करी, लोन ली। कितने का लोन ली, 4000 रुपीज का लोन ली, किस लिए, बाय अ नेट, मतलब नेट खरीदने के लिए। सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ, मतलब वो हर महीने वो 345 रुपीज क्या करती रही, पे करती रही, फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए। हाउ मच मनी डिड सी बैक टू द बैंक। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले ये तो नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है आपको, कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, सभी को पता होगा कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे याद करने के लिए ना, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। ठीक है, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद पता करेंगे कि हाउ मेनी डेज इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करी ग्रेसी ने, क्या करी, लोन ली। कितने का लोन ली, 4000 रुपीज का लोन ली। देख लीजिए, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000, मतलब जो ग्रेसी उसने कितने का लोन ली, 4000 रुपीज का लोन ली। देखिए बच्चों यहाँ पे जो उसने क्या करी, पेड बैक, मतलब वापस उसने बैंक में जमा करी एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। याद रखना कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, एवरी मंथ मतलब हर एक महीने, जैसे जनवरी में 345, फरवरी में 345, फरवरी के बाद क्या आता है मार्च में 345, 12 कितने मंथ होते हैं, सॉरी 12 मंथ होते हैं ना, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। वो एक महीने में 345 पे कर रही थी, तो 12 महीने में वो कितना पे करेगी, 12 से जल्दी से इंटू कीजिए 345 का, कीजिए सभी 345 इंटू 12 कीजिए। ओके, इंटू करना तो सभी को आता है ना, 2 5 10, 2 1 कैरी इधर गया, 2 4 कितना होता है, 8 + 1 9, 2 3 6, क्रॉस का साइन डाल दीजिए, 1 5 5, 1 4 4, 1 3 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको प्लस करना है, 0 9 और 5 कितना होता है बच्चों, 14 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 10 + 1 11, और ये क्या हो जाएगा, 4140। मीन्स क्या होगा इसका, मतलब जो ग्रेसी है वो क्या कर रही है कि जब वो 4000 रुपीज का लोन लेती है तो वो हर महीने पे करेगी, हर महीने पे करेगी, एक साल में वो हर महीने, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में वो 345 पे कर रही थी, 12 मंथ में वो कितना करेगी, एवरी मंथ मतलब हर एक महीने, मतलब जनवरी की बात फरवरी की बात कही गई है कि जनवरी में 345, फरवरी में भी 345। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने इंटू कर दिया, मीन्स टोटल मनी सी पेड बैंक इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में वो कितना मनी पे कर रही है बैंक को, कितना कर रही है बेटा यहाँ पे 4140। ओके, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, 1 मंथ में 345, तो 12 मंथ में कितना पे करेगी, इतना पे करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, झांसी वाला। यहाँ पे ठीक अपोजिट हो जाएगा, आपको ये पता है कि एक महीने में 345 पे कर रही है, तो 12 मंथ में वो कितना पे करेगी। आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है झांसी वाला है ना, झांसी वाले में क्या करना है आपको, झांसी वाले में ये बताना है, देखो झांसी और उसकी बहन है, उसने करी क्या करी, एक लोन ली 21000 का, बाय अ लॉग बोट, मतलब लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक अ टोटल रुपीज, उसने क्या करी 23520 इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में उसने डायरेक्टली क्या कर दी, जमा कर दी। हाउ मच डिड दे पैक बैक एवरी मंथ, मीन्स बेटा यहाँ पे क्या होगा कि उसने लोन ली, उसने
ग्रेसी की तरह नहीं की कि उसने हर एक महीने उसने 345 कलेक्ट की, उसने क्या करी डायरेक्टली क्या कर दी, उसने पैड बैक कर दी, मतलब कि उसने पैड कर दी, ठीक है, कितना 23,520 डायरेक्टली उसने वन ईयर में पैड कर दी। ओके, आपको बताना है कि वो एक महीने में कितना पे कर रही है। जब वो वन ईयर में इतना पे कर रही है तो वन ईयर में वो 23,520 डायरेक्टली उसने क्या कर दी, कलेक्ट कर दी, तो आपको ये बताना है कि वन मंथ में कितना कलेक्ट करेगी। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, वन ईयर में कितने मंथ होते हैं बताइए, 12 मंथ होता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए 23,520 का 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ओके बच्चों, ये आपके लिए झांसी वाला क्या है, होमवर्क है, क्लियर? ओके।